आनंदी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अकेले थोड़ी आती है। क्या हुआ? सुमेर सिंह के घर की तलाशी हुई और तुम्हारा वो हुक्मनामा जिसमें लिखा था कि नारायण राव को कत्ल कर दिया जाए, वो कोतवाल को मिल गया है। हुक्मनामा तुम्हारा था और उसमें हस्ताक्षर मेरे थे। तुमने मुझे मरवा दिया आनंदी, मरवा दिया। आगे क्या हुआ? रामशास्त्री ने तुम्हारे लिए मौत की सजा का फैसला सुनाया है और तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। मेरा बस चले तो मैं उस राम शास्त्री को मौत की नींद सुला दूं। आनंदी, इसका मतलब यह हुआ कि ना तो हम महाराष्ट्र में रह सकते हैं और ना पुणे जा सकते हैं। नाना फडणवीस गंगाबाई को पुणे से निकाल ले गए हैं। बाई सरकार गर्भवती है। गर्भवती? गंगा बाई, नाना फडणवीस, अरकाट पर हमला। अब बात समझ में आ गई। आनंदी, नाना फडणवीस ने हमसे चाल चली है। मैंने भी तो उसकी आंखों में धूल झोंकी है। अपने मायके जाने के बहाने से निकल आई और अपने सारे जवाहरात से लदकर आई हूँ। सच? 50 लाख के जवाहरात? तुमने अपने जीवन भर के अपराधों की कीमत चुका दी। जहां तुमने मुझ पे इतने अत्याचार किए वहां ये एक उपकार भी कर दिया। आनंदी, ये इतनी दौलत है कि जिससे मैं अंग्रेजों को खरीद सकता हूं। राम शास्त्री के न्याय और नाना फडणवीस के अन्याय का बदला ले सकता हूं। लेकिन तुम्हारा ये लश्कर ही तुम्हें गिरफ्तार ना कर ले। हम यहां से तुरंत निकल जाएंगे और जल्द से जल्द उज्जैन पहुंच जाएंगे। महाजी सिंधिया ही एक ऐसा शरीफ आदमी है जो हमें गिरफ्तार नहीं करेगा। महाराज की जय हो। श्रीमंत रघुनाथ राव जी और श्रीमंत आनंदीबाई सरकार पधारे हैं। भेज दो। जो आ गया। राणे खान, आज हमारे डेरे में एक ऊंट शरण लेने आ रहा है। मुझे भी यही लगता है महाराज। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम। प्रणाम भाई सरकार। आदाब भाई सरकार। बैठिए। पहले ये बताओ, हमें गिरफ्तार करने का आदेश तुम्हें मिल गया? जी हाँ। कौन होते हैं वो हमें गिरफ्तार करने का आदेश देने वाले? इस समय राज्य सरकार तो वही चला रहे हैं। कानून उनके हाथ में है, ताकत उनके पास है। वो हैं 12 भाई, नाना फडणवीस और उनके साथ 11 सरदार हैं। लेकिन पेशवा के बिना उन्हें राज करने का कोई अधिकार नहीं है। शायद आपको पता नहीं है बाई सरकार, गंगाबाई को एक बेटा पैदा हुआ है। सवाई माधव राव नाम रखा गया है उनका और उनके नाम पर 12 भाई ने अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। क्या तुमने उन्हें अपना पेशवा मान लिया? आप दोनों के सिवाय सबने सवाई माधव राव को अपना पेशवा मान लिया है। हम तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आए थे, शरण लेने आए थे।
सहायता मांगने आए थे पेशवा बनने के लिए। शरण की क्या बात है श्रीमंत, यह आपका घर है, जब तक जी चाहे रहें। मेरे होते आपकी तरफ ना कोई आंख उठा सकता है ना हाथ उठा सकता है। रही सहायता, वो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन पेशवा बनने के लिए नहीं, पेशवा की ओर से क्षमा के लिए। रघुनाथ राव क्षमा करता है, क्षमा मांगता नहीं। श्रीमंत, आपकी पेशानी पर लिखा है कि आप महान पेशवा बाजीराव के छोटे बेटे हैं। यह लिखा आप कभी नहीं मिटा सकते, आप कभी पेशवा नहीं बन सकते। 12 भाई से और अपने भाग्य से लड़ते लड़ते आपकी सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन पेशवा की गद्दी आपको सिर्फ सपनों में दिखाई देगी। जाग जाइए श्रीमंत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आपको माफी भी दिलवा दूंगा और आपकी पुरानी जागीर भी। आपका बाकी जीवन आराम और शांति से गुजर जाएगा। भाई सरकार, रघुबा दादा आपकी बात बहुत मानते हैं, जरा आप ही इन्हें समझाइए। सुनो जी, महात्मा ठीक ही कहते हैं, पेशवा की गद्दी ऐसे भूल जा जैसे कभी देखी ही ना थी। तुम हमें विश्वास दिलाते हो कि अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो 12 भाई ना हमें गिरफ्तार करेंगे और ना सजा देंगे। मैं विश्वास भी दिलाता हूं और वादा भी करता हूं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ 12 भाई के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम आनंदी बाई को धार ले जाएंगे और इन्हें वहां छोड़कर 10-15 दिन में लौट आएंगे। चलो आनंदी, थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए श्रीमंत, ऐसे भी क्या जल्दी है। नहीं, हमें बहुत जल्दी है। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम। 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 महाराज, मुझे नहीं लगता कि रघुनाथ राव जी वापस आएंगे। ठीक कहा तुमने राले खान, पेशवाई रघुनाथ राव के लिए एक वृत्रिष्णा बन चुकी है। ये जितना उसकी ओर बढ़ते हैं वो उतना ही उनसे दूर होती चली जाती है।